ऐसे चोरों की बहुत सारी बातों पर हंसी आती है कि ये दिमाग में गोबर रखते हैं, बोलते हैं कि हमारे प्रतिहार वंश से आप सभी राजपूत निकले हो। इन मूर्खों को कौन बताए कि तुम्हारे में प्रतिहार वंश है ही नहीं। कन्नौज में चाहे गुजरात में जहाँ उन्होंने राज किया वहाँ पर परिहार सभी राजपूत हैं, तुम वहाँ मिलते भी नहीं हो, तुम्हें कन्नौज में भी कोई नहीं जानता, पूर्वांचल में कोई नहीं जानता, गुजरात वालों को भी नहीं पता कि ये कौन है। तो देखने की बात ये है कि क्षत्रियों में 36 वंश हैं। सिर्फ प्रतिहार ही नहीं, प्रतिहार क्षत्रियों का तो सबसे पुराना जो राजवंश है, सबसे पुराना महल तो कांगड़ा में है, महाराजा सुशर्मा चंद्रा का, उनका त्रिगाडा किंगडम था, चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, आप सर्च कर लो महाराजा सुशर्मा चंद्रा। और अभी उन्हीं के वंश से राजा पोरस हुए हैं, जिनका जहाँ से लेकर मुल्तान तक राज था। मुल्तान की ऑफिशियल वेबसाइट में राजा पोरस को जो मुल्तान का कटोजगढ़ फाट बोला है, और आज भी कांगड़ा में राजगद्दी उनके पास है। 499 महाराजा बने हैं, महाराजा धीराज, जलंधर नरेश, मुल्तान राजकुमार, महाराजा ऐश्वर्या चंद कटोच। और तुम सिर्फ बैंसे चलाते हो, दिमाग भी बैंसों वाला है। क्षत्रियों के 36 वंश की कई शाखाएं हैं, हजार शाखाएं हैं, और तुम्हारा दिमाग पता नहीं कौन से गोबर वाला दिमाग। हर की सरकार ने भी, ग्रीक्स की सरकार ने भी राजा पोरस को कटोच राजपूत बोल रखा है। आप ये देखिए, भारत की सरकार ने जो कांगड़ा का महल है उसको भारत का सबसे पुराना महल माना है, उससे पुराना महल कोई है ही नहीं इसे भारत में। तो सबसे पुराने राजवंश, सबसे पुराने क्षत्रियों के किले किसी भी जाति के पास, मुझे बताओ किसी भी जाति के पास कोई महल है सबसे पुराना, ये राजपूतों का महल है कांगड़ा फोर्ट। और उसके बाद और भी महल हैं लाखों, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे।